वेलकम बैक। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति समझाने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन हमने वहीं देखा है, सोने चांदी में। तो सबसे पहले तो यही बताइए, सोना आज सुबह हम देख रहे हैं $1800 के ऊपर है, अपने आप को हफ्ते भर के हाईस पर टिकाए हुए है। चांदी 8 महीने की ऊंचाई पर है, 69,000 ऑलमोस्ट 70,000 के लेवल्स कल हमने इसे छूते देखा है, आज क्या करना है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी। इवन अगर हम देखें तो लास्ट वीक में भी रिकवरी का ट्रेंड था। तो अब गोल्ड $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स में भी देखें तो ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास तक के लेवल्स हमने कल आते हुए देखे थे। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी इकोनॉमीज ने इंटरेस्ट रेट पर डिस्कशन किया है, तो उससे काफी हद तक डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है। हमें लगता है कि आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 54,600 में खरीदारी करें, 54,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,100 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर में भी कल हमने $24 के ऊपर के लेवल आते हुए देखे हैं, ऑलमोस्ट 69,000 तक के लेवल हमने सिल्वर में आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी, 69,000 में खरीदारी करें, 68,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,500 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $24.50 से लेकर $25 तक के लेवल सिल्वर में भी देखे जा सकते हैं। ओके, तो चांदी में रखिएगा नजर, 70,000 के पार का आंकड़ा आज के आज ही देखने को मिल जाएगा। एनर्जी पैक में क्या करें, बहुत चॉपी ट्रेड है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में कच्चा तेल या फिर फॉर दैट मैटर इवन नेचुरल गैस जाता हुआ दिखाई देगा। अब क्या, $80 के पास ब्रेंट है, क्या किया जाए आज? देखिए, क्रूड में अगर देखें तो कल भी थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ था। जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है 6,300 के ऊपर क्लोज रहा और ब्रेंट भी $80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है क्रूड के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक डिमांड फॉरकास्ट देखा है हमने ओपेक मेंबर्स की तरफ से, तो वो काफी हद तक एक सपोर्टिव है। तो यहाँ पे खरीदारी के हाथ ट्रेड लेना चाहेंगे, 6,250 के आसपास खरीदारी करें, 6,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,600 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर प्राइस अगेन ब्रेंट का 83 से लेकर $84 तक के लेवल दिखा सकता है। जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है, यहाँ पर हमने यूरोपियन यूनियन में कैपिंग लगने की वजह से नेचुरल गैस के प्राइजेस में गिरावट, तो एक्सपेक्टेड है कि एक प्रेशर आएंगे, पर एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे 430-420 तक के लेवल आ सकते हैं। ओके, और मेटल्स में आज क्या सलाह होगी? मेटल्स में कल एक अच्छा रिकवरी हमने रिबाउंड देखा। कॉपर में हमने 710 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे, एलएमई में भी हमने करीबन 8,350 के ऊपर के लेवल ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो एलएमई में और एमसीएक्स में कॉपर में खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। कॉपर में करीबन 707 के आसपास खरीदारी करें, 701 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 717-720 तक देखने को मिल सकता है। एलएमई पे एक्सपेक्टेड है कि 8,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, और क्विकली मुझे करेंसी पर भी व्यू बता दीजिए, क्योंकि कल तो हमने देखा बैंक ऑफ जापान के निर्णय के बाद पूरा घमासान करेंसी स्पेस में बन गया था थैंक्स टू येन, तो आज क्या किया जाए रुपए में? देखिए, रुपया मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ लेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और जैपनीज येन स्ट्रेंथ लिया है। तो मुझे लगता है कि रुपी के अंदर अगेन हमको थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी यूएसडी आईएनआर में, तो डॉलर में बिकवाली करके चले, 82.90 में 83.10 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 82.50 तक हो सकता है। तो रुपी यहाँ पर हमें लगता है कि एक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यूएसडी आईएनआर बेच के चलने की सलाह है, रुपए में आज कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं प्रबल है।